ओके सो जस्ट बिफोर द वीडियो बिगिंस मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि मैं अपने चैनल का नाम डार्क साइड बॉस से पोकेफाइट करने वाला हूँ ड्यू टू सम रीजंस जो कि आपको इस वाली वीडियो में पता चल जाएंगे। सो अगर आपकी फीड्स में सडनली पोकेफाइट नाम से चैनल अपीयर होता है डोंट अनसब्सक्राइब बिकॉज इट्स जस्ट मी एंड या नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। सो ही गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल जहाँ पर आज हम बात करने जा रहे हैं एश के गुड्रा की कम्प्लीट बैक स्टोरी के बारे में। बेलाश की कैलोस टीम का ये सूडो लेजेंडरी इसकी ग्रेट पर्सनालिटी और स्ट्रेंथ की वजह से आज भी एक फैन फेवरेट कंसिडर किया जाता है। तो एश के इस अमेजिंग पोकेमॉन की कंप्लीट बैक स्टोरी को जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, प्लस अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना भी मत भूलना और हो सके तो इस वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। एंड नाउ लेट्स बिगिन। वेल अब गुड्रा एज अ गूमी सबसे पहले अपियर हुआ था एक्स एंड वाई सीरीज के एपिसोड नंबर 55 स्लिपरियन काउंटर में, जहां पर ये पोकेमॉन एक स्वाना के ऊपर से सीधा आ गिरा था एश के सर पर, जिसे देखकर ही ये लग रहा था कि ये काफी ज्यादा वीक है, जिसकी वजह से एश और उसके दोस्त इस पोकेमॉन को ले गए एक रिवर पर हील अप करने के लिए, जहाँ इस पर बस थोड़ा पानी डालते ही ये क्विकली रिकवर होने लगा। बट फिर इसने बॉनी के डडेने को देख कर एश के पीछे छुपने की कोशिश की, जो की सभी को थोड़ा सा वियर्ड जरूर लगा। और फिर लेटर जब इसने एक कैरियोडॉस को देखकर यही सिमिलर बिहेवियर शो किया, तब क्लेमॉन्ट ने इस पर अपनी इन्वेंशन का यूज किया, जिससे फाइनली इस पोकेमॉन की बैक स्टोरी रिवील हुई, जहां हमें पता चला कि एश और उसके दोस्तों को मिलने से पहले गुमी पीसफुली रहा करता था वेटलैंड्स में, एंड वहां पर एक लौता गुमी होने की वजह से ये मोस्टली रहा करता था वूपर्स के साथ, जो कि इसके काफी क्लोज फ्रेंड्स थे। पर फिर एक दिन सडनली इनके होमलैंड पर अटैक कर दिया एक ग्रुप ने, जिसमें थे एरियोडॉस, यान मेगा, पिंसर, बीड्रिल और सवाइपर, जिन्हें एक फ्लोरगस कमांड दे रहा था। और ऑब्वियसली बस एक गुमी होने की वजह से ये पोकेमॉन काफी ज्यादा वीक था, जिसकी वजह से इसने वहाँ पर अपने दोस्तों के साथ भागने की कोशिश तो की, बट फ्लोरगस ने इन्हें इजीली स्पॉट करके इन पर अटैक कर दिया मून ब्लास्ट से, जिससे गुमी सीधा हवा में उड़ गया और जा पहुंचा एक स्वाना के ऊपर, जहां से एपिसोड 55 की स्टोरी कंटिन्यू हुई। पर इस पूरे एक्सपीरियंस की वजह से इस छोटे से पोकेमॉन ने बग और फेरी टाइप के अगेंस्ट एक सॉलिड फियर को डेवलप कर लिया था, जिसने श्योरली इस पोकेमॉन के बिहेवियर को एक्सप्लेन किया। बट फिर लेटर जब टीम रॉकेट ने गुमी और पिकाचू को पकड़ लिया था, तब इस पोकेमॉन ने ना सिर्फ पिकाचू को वहां से भागने में मदद की, बल्कि साथ ही में इसने ये भी देखा कि आखिर किस तरह से एश और उसके पोकेमॉन्स एक दूसरे की केयर करते हैं और वो एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी लेंथ तक जाने के लिए तैयार है, जिसने श्योरली गुमी को मोटिवेट किया टीम रॉकेट के अगेंस्ट बैटल करने के लिए, जिन्हें हराने के बाद इस पोकेमॉन ने डिसाइड किया कि और भी ज्यादा स्ट्रांग बनने के लिए ये ट्रैवल करेगा एश के साथ, और यही से शुरुआत हुई एश और इस पोकेमॉन के जर्नी की। पहला बैश की टीम को ज्वाइन करने के बाद सीधा नेक्स्ट एपिसोड वन फॉर द गुमी में एश ने गुमी को बाहर निकाला बाकी सभी पोकेमॉन्स के साथ कनेक्ट होने के लिए, जहां पर एट फर्स्ट तो ये पोकेमॉन बाकी सभी से थोड़ा डरा हुआ था, स्पेशली डडेने से। बट फिर लेटर जब डडेने ने गुमी को प्रोटेक्ट किया टीम रॉकेट से, तब इसे ये पता चला कि हर एक पोकेमॉन बुरा नहीं होता है एंड सम एक्चुअली डू केयर अबाउट हिम। इसने डडेने पर ट्रस्ट करना स्टार्ट कर दिया, जिससे इसका फेरी टाइप के अगेंस्ट डर ऑलमोस्ट खत्म सा हो गया। एंड फिर आफ्टर दिस एपिसोड नंबर 58 द ग्रीन ग्रास टाइप ऑफ होम में एश ने गुमी को अपनी कुमरिन जिम की बैटल को देखने के लिए कहा, थोड़ी सी फाइटिंग सीखने के लिए, जिसके बाद फिर लेटर जब गुमी ने थोड़ी सी बैटलिंग प्रैक्टिस करने की कोशिश की पिकाचू के साथ, तब इनकी बैटल को इंटरप्ट किया एक इंजर्ड स्पॉइंक ने, जिसकी इंजरी का कारण था एक ग्रम्पिग जो कि इन स्पॉइंक को बुली कर रहा था। और फिर जब एश इस ग्रम्पिग को रोकने की कोशिश करता है, तब वो बाकी सभी स्पॉइंक को हिप्नोटाइज करके एश और उसके पोकेमॉन को टीम रॉकेट के एक ट्रैप में फंसा देता है। बट फिर समहाउ गुमी और डडेने इस ट्रैप से निकल जाते हैं और बाकियों को फ्री करने के लिए एक की को ऑब्टेन करने की कोशिश करते हैं, बट ये ग्रम्पिग इन दोनों पर अटैक कर देता है, जहां गुमी को प्रोटेक्ट करते हुए डडेने फेंट हो जाता है। और अब यहाँ पर कोई भी ऑफेंसिव मूव ना होने की वजह से गुमी काफी ज्यादा स्ट्रगल करता है, जिसके बाद ग्रम्पिग जैसे ही इस पर आयरन टेल से अटैक करने ही वाला होता है, एश जल्दी से जंप इन करके इसे सेव कर लेता है। और ये सब देखकर गुमी को काफी ज्यादा बुरा लगता है, जिसके बाद वो अपनी पूरी एनर्जी को कलेक्ट करके फाइनली इवॉल्व होता है स्लीगू में और लर्न करता है मूव ड्रैगन ब्रेथ को, जिसे वो इजीली डिफीट कर देता है ग्रम्पिग एंड इवन टीम रॉकेट को भी। जिसके बाद एपिसोड नंबर 65 गुड फ्रेंड्स ग्रेट ट्रेनिंग में एश अपने स्लीगू को दिखाता है टोरिनो को, जो कि उसे एक डबल बैटल के लिए चैलेंज करता है अपने वॉर टर्टल और राइजू के साथ,
बट इस बैटल की इवन स्टार्ट होने से पहले ही एज ऑलवेज टीम रॉकेट इन्हें इंटरप्ट करते हुए यहाँ पर अपियर हो जाती है अपनी एक जायंट मशीन के साथ, और वो जल्दी ही पिकाचू, वॉर टर्टल और राइचू को कैप्चर कर लेते हैं। बट फिर यहाँ पर राइचू और वॉर टर्टल सीधा अटैक कर देते हैं जेसी और जेम्स पर, जिन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए जेसी का पमकाबू उन पर यूज करता है शैडो बॉल का। पर ये शैडो बॉल गलती से इनके केज पर लग जाता है, जिससे ये पोकेमॉन फ्री हो जाते हैं। और फिर वहाँ से एस्केप करने के कुछ देर बाद जब टीम रॉकेट फिर से पिकाचू को कैप्चर करने की कोशिश करती है अपने मेका से, तब स्लीगू यहाँ पर इनके मेका को एक जोरदार झटका देकर पिकाचू को फ्री करवा देता है। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर जेसिका पमकाबू फिर से यूज करता है शैडो बॉल का, जो कि उन्हीं के मेका में आग लगा देता है, जिसके बीच फंस जाते हैं एश, सरीना और पिकाचू। और अब यहाँ पर स्लीगू को याद आता है कि कैसे एज अ गूमी वो अनेबल था अपने फ्रेंड्स को सेव करने के, जिसके बाद वो जल्दी से यूज करता है रेन डांस का, जिससे वो फायर को तो पुट डाउन करता ही है, बल्कि इस रेनी कंडीशन की वजह से वो इवॉल्व भी हो जाता है गुड्रा में। और फिर अपने न्यूली लर्न मूव ड्रैगन पल्स की मदद से ये ना सिर्फ टीम रॉकेट को काफी इजीली डिफीट कर देता है, बल्कि साथ ही में टोरिनो के अगेंस्ट डबल बैटल में भी ये पिकाचू को काफी अच्छा सपोर्ट देते हुए टोरिनो के पोकेमॉन्स को इजीली डिफीट कर देता है। और फिर इस सबके बाद आखिरकार गुड्रा को अपनी पहली ऑफिशियल जिम बैटल करने का मौका सीधा मिलता है एक्स एंड वाई सीरीज के एपिसोड नंबर 67 द मोमेंट ऑफ लूमियस ट्रूथ में, जहां पर एश इस पोकेमॉन को यूज करता है उसके सेकंड पोकेमॉन की तरह लूमियस सिटी जिम में क्लेमॉन के अगेंस्ट। वेल एट फर्स्ट इस फाइट में गुड्रा फेस करता है क्लेमॉन के हीलियोलिक्स को, जो कि जल्द ही थंडर वेव का यूज करके गुड्रा को पैरालाइज कर देता है, और इसकी वजह से गुड्रा को काफी स्ट्रगल करना पड़ता है हीलियोलिक्स के साथ कीप अप करने के लिए, जिसकी वजह से एश इस पोकेमॉन को वापस बुला लेता है। पर फिर लेटर इसी बैटल में एश गुड्रा को यूज करता है उसके लास्ट पोकेमॉन की तरह क्लेमॉन के लास्ट पोकेमॉन लक्सरे को फेस करने के लिए। अब क्लियरली यहाँ पर पैरालाइज होने की वजह से गुड्रा थोड़े से डिसएडवांटेज में तो होता ही है, बट साथ ही में लक्सरे का इलेक्ट्रिक ट्रेन भी एक्टिवेटेड होता है इस बैटल में। बट फिर एश गुड्रा को जल्दी ही रेन डांस यूज करने के लिए कहता है, बिकॉज उसे याद आता है कि कैसे एज अ गूमी इस पर पानी डालते ही ये हील अप हो गया था, और ये एक्चुअली काम भी करता है क्योंकि इससे गुड्रा की हाइड्रेशन एबिलिटी एक्टिवेट हो जाती है और साथ ही में इलेक्ट्रिक ट्रेन की पावर भी कम हो जाती है, जिसके बाद फिर एश गुड्रा की बाइड और इंड्योरेंस की मदद से लक्सरे को ओवरपावर करके डिफीट कर देता है, जिससे फाइनली उसे मिल जाता है द वोल्टेज बैज। वेल इस अमेजिंग विन के साथ गुड्रा अपने आप को एश की टीम के एक स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन की तरह प्रूव कर देता है। बट फिर एपिसोड नंबर 69 डिफेंडिंग द होमलैंड में अपने सफर के दौरान एश और उसके दोस्त मिलते हैं गुड्रा के होमलैंड के केयर टेकर कीनन से, जिसे देखते ही गुड्रा अपने होमलैंड जाने के लिए एक्साइटेड हो जाता है। बट पास्ट मेमोरीज की वजह से वो थोड़ा सा हेसिटेट करता है, पर फिर जब वो मिलता है वूपर और बाकी पोकेमॉन से, जो कि उसे बताते हैं कि फ्लोरगस आज भी उन पर अटैक करता है, गुड्रा पूरी तरह से तैयार हो जाता है इस पूरे मैटर को खत्म करने के लिए, जिसके बाद वो होमलैंड जाकर फ्लोरगस को चैलेंज करता है एक फाइट के लिए। वेल अब इस फाइट में गुड्रा एक अपर हैंड तो गेन कर लेता है, बट फिर जैसे ही फ्लोरगस यूज करता है मून ब्लास्ट का, तब बाकी पोकेमॉन्स को प्रोटेक्ट करते टाइम पर गुड्रा उससे काफी बुरी तरह हर्ट हो जाता है, और फिर जैसे ही फ्लोरगस एक और मून ब्लास्ट का यूज करके गुड्रा को बस फिनिश ही करने वाला होता है, एश गुड्रा को इनकरेज करता है, जिससे गुड्रा एक नया मूव आइस बीम सीख जाता है, और इस आइस बीम की मदद से गुड्रा मून ब्लास्ट को ओवरपावर करके फ्लोरगस को बस डिफीट ही करने वाला होता है कि एज ऑलवेज टीम रॉकेट इस बैटल को इंटरप्ट कर देती है, और पमकाबू और इंकी का यूज करके वो गुड्रा को भी जल्दी ही नॉकआउट कर देते हैं, एंड इवन वो फ्लोरगस को ब्लैकमेल करके पिकाचू, डेडेने और वूपर को भी अबडक्ट करवा लेते हैं, जिसके बाद यह स्टोरी कंटिन्यू होती है नेक्स्ट एपिसोड में, जहां अपनी इंजरीज के बाद भी गुड्रा टीम रॉकेट से इन पोकेमॉन्स को छुड़ाने निकल पड़ता है एश और उसके फ्रेंड्स के साथ। पर फिर इवेंचुअली सिर्फ एश, बॉनी और गुड्रा ही पहुंच पाते हैं फ्लोरगस के हाइडआउट तक, जहां पर उन्हें पता चलता है कि फ्लोरगस इस होमलैंड को सिर्फ फ्लॉइड को प्रोटेक्ट करने के लिए ही कैप्चर करने का ट्राई कर रही थी। बट अगेन इस सब के बीच टीम रॉकेट फिर से इंटरप्ट करती है और फ्लोरगस को एक्चुअली बिट्रे करके इस हाइडआउट के पूरे मिस्टिक वाटर को ड्रेन कर देती है, जिसके बाद गुड्रा फ्लोरगस के इंटेंशंस को समझते हुए उसे माफ कर देता है, और फिर ये दोनों मिलकर टीम रॉकेट को डिफीट कर देते हैं, एंड गुड्रा इवन अपने रेन डांस की मदद से इस केव के अंदर के वाटर को भी रिस्टोर कर देता है। और ये सब देखने के बाद एश गुड्रा को उसके फ्रेंड्स के साथ इसी होमलैंड में रहने के लिए सजेस्ट करता है, जो कि एक काफी टफ डिसीजन होता है गुड्रा के लिए। बट फिर एक टियरी गुड बाय के बाद एश इस पोकेमॉन को प्रॉमिस करता है फिर से वापस मिलने का। वेल अब इस एपिसोड के बाद फॉर अ लॉन्ग टाइम ये पोकेमॉन हमें एनिमे में देखने नहीं मिला, पर फिर आखिरकार एपिसोड नंबर 123 अ डायमंड इन द रफ में लूमियो सिटी जाते वक्त
ऐश और उसके दोस्त मिले गुड्रा से, जिसके बाद एक टिपिकल गुड्रा थीम्ड एपिसोड के एंड में ऐश ने गुड्रा को पूछा कि क्या वो उसकी टीम को ज्वाइन करना पसंद करेगा लूमियोस कॉन्फ्रेंस की बैटल्स के लिए। और इस ऑफर को गुड्रा ने काफी हैप्पीली एक्सेप्ट किया, जिसके बाद कुछ एपिसोड्स लेटर कीनन गुड्रा को ऐश के पास ले गया उसकी सेमीफाइनल्स की बैटल से पहले। एंड देन ऐश ने इस पोकेमोन को यूज किया उसके फिफ्थ पोकेमोन की तरह सॉर के स्लर्प ऑफ के अगेंस्ट एपिसोड नंबर 128 रिवर्टिंग राइवलरी में। और विदाउट अ डाउट इस फाइट में दोनों ही पोकेमोन अपना बेस्ट परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, जहां पर हमें एक अमेजिंग राइवलरी देखने मिलती है फेरी टाइपिंग और ड्रैगन टाइपिंग की। वेल अब टाइम के साथ ये बैटल और भी ज्यादा इंटेंस होती है, जिसके एंड में ऐश यूज करता है बाइट को उसके फिनिशिंग मूव की तरह, बट सॉर उसके स्लर्प ऑफ को यूज करने के लिए कहता है फेरी विंड का, जिसके इम्पैक्ट से एक काफी बड़ा डस्ट क्लाउड क्रिएट होता है, जिसके हटने के बाद हमें ये पता चलता है कि ये दोनों ही पोकेमोन एक साथ नॉकआउट हो चुके हैं, जिसके बाद समहाउ ऐश सॉर के अगेंस्ट सेमीफाइनल बैटल्स में जीत जाता है। और फिर आखिरकार एपिसोड नंबर 131 डाउन टू द फियरी फिनिश में ऐश यूज करता है गुड्रा को फेस करने के लिए एलान के बिशार्प को। और ये बैटल गुड्रा की लास्ट बैटल से भी ज्यादा एपिक थी, जहां दोनों ही पोकेमोन एक दूसरे को काटे की टक्कर दे रहे थे। अब गुड्रा ने रेन डांस की मदद से बैटलफील्ड पर बारिश क्यों ना करवाई हो, बट इसने उसकी बिल्कुल हेल्प नहीं की, जिसके बाद इसने बिशार्प को डिफीट करने की कोशिश की एक सॉलिड ड्रैगन पल्स और बाइट के कॉम्बिनेशन से। बट अनफॉर्चुनेटली एलान के बिशार्प ने इस ड्रैगन पोकेमोन को पूरी तरह से आउटशाइन करके आयरन हेड और गिलेटिन के कॉम्बो से फिनिश कर दिया, जो कि ट्रूली एक काफी सैड मोमेंट था। बट इस फाइट के सीधे नेक्स्ट एपिसोड टावरिंग टेकओवर में ऐश के बाकी पोकेमोन्स के साथ गुड्रा को भी लैसेंडर ने कैप्टिव कर लिया था प्रिज्म टावर के टॉप पर। और इस एपिसोड में अमेजिंगली जहां एक तरफ ऐश और ग्रेनिंजा टीम प्लेयर के मेगा एवोल्यूशन एनर्जी वेपन को रोक रहे थे, और वहीं दूसरी ओर गुड्रा और पिकाचू ने मिलकर फेस किया था लैसेंडर और उसके शाइनी मेगा गैराडोस एंड पायरोर को, जिनके अगेंस्ट बैटल थोड़ी सी रफ तो जरूर थी, बट फिर अपने थंडर बोल्ट और ड्रैगन पल्स के कॉम्बिनेशन को मिलाकर इन्होंने इवेंचुअली लैसेंडर और उसके पोकेमोन को डिफीट कर दिया। जिसके बाद फिर एपिसोड नंबर 137 बैटलिंग विद अ क्लीन स्लेट में गुड्रा और ऐश के बाकी पोकेमोन्स को मेडल दिए गए थे प्रोफेसर सिकमोर की तरफ से टीम प्लेयर को हराने के लिए। और फिर आखिरकार एपिसोड नंबर 139 फेसिंग द नीड्स ऑफ मैनी में गुड्रा ऐश और उसके दोस्तों को एक फाइनल गुड बाय कह के वापस चला गया था उसके होमलैंड में। वेल अब इसके बाद गुड्रा के कुछ अपीयरेंसेस हमें ऑन स्क्रीन देखने जरूर मिले हैं, बट अब तक एक्स एंड वाई सीरीज के बाद से कोई भी गुड्रा थीम्ड एपिसोड हमें देखने नहीं मिला है। सो लेट जस्ट होप कि एटलीस्ट आने वाली सीरीज में हमें ऐश के इस पोकेमोन का रिटर्न देखने मिले। बट फॉर द टाइम बीइंग आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, और ऐश के बाकी पोकेमोन्स की बैक स्टोरी को जानने के लिए सुपर वाली प्लेलिस्ट पर क्लिक करना। और अगर चैनल पर नए हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर। तो बस मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।